हे कृष्णा, तो ब्रह्म संहिता के अनुसार शिव जी भी इस भौतिक जगत के नियंता के रूप में ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। कई बार यह गलत धारणा फैलाई जाती है कि शिव जी तमोगुण से प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शिव गुणों से परे हैं, तमोगुण के अधीन भूत प्रेत पिशाच निशाचर आदि लोगों को भी संतुष्ट करने वाले हैं, यहाँ तक कि तामसिक लोगों को भी। तो इस प्रकार कई शास्त्रों में हम पाते हैं कि विष्णु एवं शिव में कोई भेद नहीं है, परंतु अधिक अध्ययन के बाद हम पाएंगे कि भेद है भी। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व की संज्ञा दी थी। अब भेद कैसे है, श्रीमद् भागवतम सभी वेदों का सार है और उसी वेदों के सार यह वर्णित है कि जैसे दूध से दही बन सकता है परंतु दही से दूध नहीं बन सकता, वैसे ही कृष्णा शिव बन सकते हैं परंतु शिव कृष्णा नहीं बन सकते। वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंभु है, वैष्णवताम यथा शंभु। भगवान कृष्ण की भक्ति पाना सहज हो जाता है। जो कृष्ण भक्ति है चाहते हैं, शुद्ध भक्ति चाहते हैं, उनको भी सही दिशा और मार्गदर्शन देते हैं शिव भगवान। जिस तरह नदियों में महान गंगा नदी है, सभी पुराणों में श्रीमद् भागवतम है, वैसे ही वैष्णव में शिव जी महान और सबसे बड़े वैष्णव है। महादेव खासकर कृष्णा भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को उपदेश करते हुए बताते हैं कि मैं सदा राम का स्मरण करता हूँ और राम नाम में ही रमन करता हूँ। शिव जी भगवान कृष्ण को आराध्य मानते हैं। भगवान कृष्ण की रासलीला में भाग लेने के लिए आतुर भगवान शिव जी ने गोपी का रूप लिया और आज भी हम देख सकते हैं कि श्री धाम वृंदावन में उन्हें गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जहाँ उनका श्रृंगार एक गोपी के रूप में होता है। हरे कृष्ण।